स्टार्ट हो गया। हेलो, हाँ मैम, हाँ ओके। मैम। तो यहाँ पर देखो, उसके बाद क्या बोला है, डाउटफुल डेप्ट 31 दिसंबर सन्ड्री डेटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, 3,000 आर बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ ऑन 30th सितंबर। तो बैड डेप्ट जो राइट ऑफ हुआ है, अगर हम लोग पहले यहाँ चार्ज कर देते हैं, टू बैड डेप्ट 3,000, ये 3,000, सॉरी मिस्टर एक्स वाला बाद में रिकॉर्ड करते, 3,000। तो बैड डेप्ट में क्या लिखेंगे, बैड डेप्ट में हम लोग लिखेंगे बाई PBDD 3,000। एक्चुअली बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर इस तरह से भी लिख सकते हैं, बैड डेप्ट टू सन्ड्री डेटर दो है, एक 3,000 जो नाम मेंशन नहीं है, एक मिस्टर एक्स है जिसका 800 बैड डेप्ट हो चुका है। तो टोटल हो जाएगा ये भी बाई PBDD, दोनों का टोटल करने से 800 बैड डेप्ट अकाउंट क्लोज हो जाएगा, 3,800 3,000। तो टू बैड डेप्ट यहाँ पर फिर से हो जाएगा 800। तो प्रोविजन 5,000 क्रिएट किया था हम लोगों ने, और जिसमें से 3,800 यूज हो गया, और यहाँ पर बोला है कि क्रिएट करना है प्रोविजन, लेकिन एक परसेंटेज जो है हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है बट हिंट्स दिया हुआ है कि इस तरह से देखो मेंटेन करोगे परसेंटेज। यहाँ पर बताया है कि पिछले साल जो सन्ड्री डेटर था 50,000, और उसके अगेंस्ट प्रोविजन किया गया था 5,000। तो इससे परसेंटेज बताओ कितना होगा, अगर 50,000 के लिए 5,000 है तो परसेंटेज यानी 100 में हम लोग को कैलकुलेट करना चाहिए, 100 में हम लोग को कैलकुलेट करना चाहिए। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना किया गया है आउट ऑफ जितना 50,000, जैसे मार्क्स का तुम लोग परसेंटेज निकालते हो, जितना टोटल मार्क्स और जितना तुम लोग को मिला है, टोटल मार्क्स में कितना मिला, उसी तरह से 50,000 में 5,000 जो है वो प्रोविजन क्रिएट किया गया था, क्योंकि वो क्वेश्चन के फर्स्ट जो लाइन है उसी से पता चल रहा है कि डेटर जो पिछले साल था 50,000 और प्रोविजन 5,000। तो परसेंटेज कितना हो रहा है देखो, 10, तो 10% का 10% हो रहा है। तो यही मेंटेन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि सम परसेंटेज शुड बी मेंटेन फॉर, अब जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग जो पास्ट रिकॉर्ड है उसी को फॉलो करेंगे, कि जैसे पहले साल हुआ था पिछले साल उसी तरह से हम लोग को करना है। तो यहाँ पर PBDD भी क्रिएट करेंगे, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस CD। अब कितना डेटर था उससे हम लोग को माइनस करते हुए लिखना है, तो पहले तो था 50,000 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1,800 का कुछ दिया है, ड्यूरिंग 3,000 बैड डेप्ट हुआ है, अच्छा, और 400 वाज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ, अच्छा, डेटर स्टूड, ये तो दे दिया है डेटर का वैल्यू। इट वॉज फाउंड दैट सन्ड्री डेटर शूड इन द बुक्स वेयर 40,000, 40,000 का डेटर दिया है। तो 40,000 का डेटर है हम लोग को, और ये एडजस्ट किया हुआ है, हम फिर से लैंग्वेज पढ़ा देते तो समझ जाओगे, -800 ही करना पड़ेगा, सिर्फ ये फर्दर बैड डेप्ट है, क्योंकि क्वेश्चन देखो फिर से, सन्ड्री डेटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये दोनों जो है ये प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, मतलब इस साल का ओपनिंग, ड्यूरिंग द ईयर 2013 3,000 आर बैड, ड्यूरिंग द ईयर वाला एडजस्ट करना नहीं पड़ता है, जब तक वो नहीं बताएगा कि एडजस्टेड है कि नहीं, इसका मतलब अभी तक हम लोग ये मानेंगे ये एडजस्टेड है, और जो राइट ऑफ किया गया है 30th सितंबर, और 400 जो है ये बैड डेब्ट रिकवरी हुआ है, तो ये PL में चार्ज हो जाएगा, बिकॉज बैड डेब्ट रिकवरी का एंट्री क्या होता है, बैड डेब्ट रिकवरी का एंट्री होता है बैंक टू बैड डेब्ट रिकवरी, फिर हो जाता है बैड डेब्ट रिकवरी टू PL। तो अभी जो अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं दो अकाउंट, उसमें ये तो पोस्ट नहीं होने वाला। द डेटर लेफ्ट वॉज वेरीफाइड एंड इट वॉज फाउंड दैट सन्ड्री डेटर स्टूड इन द बुक्स 40,000, मतलब ये 50,000 जो पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल का ओपनिंग, और आफ्टर दैट ये 40,000 हुआ, जिसमें से एक्स जो है वो बैड डेप्ट हुआ, उसके बाद यानी सिर्फ 800 वाला माइनस होगा, और कुछ नहीं बताया था कि 3,000 एडजस्टेड है कि नहीं है, इसका मतलब एज्यूम्ड कि 3,000 एडजस्टेड है, तो सिर्फ 40,000 से कितना माइनस होगा 800, और अभी हम लोगों ने परसेंटेज देख लिया कैलकुलेट करके जो 10% है अकॉर्डिंग टू पास्ट ईयर। तो फिर 40,000 माइनस 800 39,200, और इसके ऊपर 10%, तो 3,920।
3920। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, बाई पीएल इधर ही आएगा बैलेंस, बिकॉज 3800 प्लस 3920 और माइनस 5000, तो कितना हो जाएगा 2720। ये हो गया 2720। अब हम लोग को क्या करना है, पीएल में पोस्ट करना है। तो पीएल में हम लोग एक ठो लिख देंगे बैड डेप्ट रिकवरी जो था, तो ये इनकम है, बैड डेप्ट रिकवरी है 400। और यहाँ पर हम लोग दो पैटर्न से लिख सकते हैं, या तो नेट लिख दो 2PL 2720 तो भी हो जाएगा, या फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं टू बैड डेप्ट, ये लिख सकते हैं 3800 जैसे लिखा जाता है, टू बैड डेप्ट, एक बार 3000 फिर एक बार 800, मतलब टू बैड डेप्ट प्लस फर्दर बैड डेप्ट। और इधर हम लोग लिख सकते हैं बाई प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हम लोग का ऑलरेडी था 5000, ठीक है, तो 5000, और इस बार जो प्रिपेयर हुआ है वो है 3920 लेस रिक्वायर्ड, तो ये हो जाएगा 3920। तो 5000 माइनस 3920, तो पीएल से कितना जाएगा 1080। अब देखो नेट करके देख लो, इसको छोड़ दो, ये तो यहाँ चार्ज नहीं हुआ है तो इसको नहीं काउंट करना है, नेट करके देखो इतना ही आएगा, 3800 माइनस 1080, तो नेट करने पे 2720 ही आएगा। ये डायरेक्ट हम लोग चाहे तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बोल के, बैड एंड डाउटफुल डेप्ट बोल के लिख सकते थे डायरेक्ट पीएल में, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट 2720, और अगर 3800 माइनस 1080 करोगे तो भी 2720 ही आएगा। बस ये जैसे तुम लोग पीएल में पोस्ट करते हो उस तरह से मैंने लिखवा दिया बैड डेप्ट रिकवरी, ये तो अलग ही अपना एक पॉइंट है, इसका यहाँ तो कुछ एडजस्टमेंट था नहीं, इसके साथ मैंने रिलेशन दिखा दिया। और इसका जो है 5000 पहले से था, तो प्रीवियस वाला जो है तो वो क्रेडिट साइड में पोस्ट होता है, ठीक है, तो प्रीवियस वाला ये 5000 ये ओपनिंग, और 3920 इस बार रिक्वायर्ड है, तो प्रॉफिट से कितना कम हो गया 1080। और बैड डेप्ट क्योंकि इधर चार्ज किया हुआ है इसीलिए ये 2720 या नेट करने पे माइनस करने पे आ जाएगा, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन तुम लोग जब फाइनल अकाउंट्स करोगे तो यही वाला पैटर्न फॉलो करोगे, क्योंकि तब तुम लोग ये छोटा छोटा अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हो, डायरेक्टली यहाँ पर एडजस्ट करते हो और उसे वर्किंग नोट के मतलब हिसाब से बनाते हो, तो फिर ये इस तरह से बाई पीएल तुम लोग को शो नहीं होता है, तुम लोग वो एडलेस करके ही दिखाते हो। अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला है, तो बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर ये इस साल का जो था हम लोग का 40,000 करेंट ईयर जो हम लोग कर रहे हैं, और इससे फर्दर बैड डेप्ट जो मिस्टर एक्स वाला है वो माइनस हो जाएगा वो 800, और बचा 39,200 ये जिसपे हम लोगों ने अभी पीबीडीडी ये क्रिएट किया है, लेस पीबीडीडी एट द रेट ऑफ 10%, तो 3920, तो यहाँ पर आ जाएगा 35,208। अब आया समझ में जो भी प्रॉब्लम हुआ था होमवर्क में? यस मैम। अच्छा आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो एक फाइनल अकाउंट जो है वो तुम लोग का आता ही है, इंटर में भी फाइनल अकाउंट से काटता ही है, तो फाइनल अकाउंट्स बहुत अच्छे तरह से करना है क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये हमेशा हर साल आता है, ठीक है। अब फाइनल अकाउंट्स का कुछ छोटा छोटा पॉइंट तुम लोग को पता है, मुझे पता है कि तुम लोग को पता है क्या होता है बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं ताकि जो भी एमसीक्यू वगैरह ट्रू फॉल्स जो होता है उसमें हेल्प हो जाए अगर भूल गए तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, लास्ट दिन में हम लोगों ने बताया था प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है जहाँ पर हम लोग सारा एक्टिविटीज लिखते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड, और वैसे भी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सारा एक कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है, तो ये सब छोटा छोटा चीज तुम लोग को ध्यान में रखना है जाके एमसीक्यू जब करोगे तो प्रॉब्लम ना हो। इट शो द आउटकम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ये बिजनेस के एक्टिविटी का एक आउटकम्स है,
और ये समराइज्ड फॉर्म में जहां पर लिखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। बिजनेस के एक्टिविटीज को समराइज्ड फॉर्म में जहां लिखा जाता है, एक्टिविटीज को जहां लिखा जाता है उसे बोलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। द एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस विल इंक्लूड, अब इस एक्टिविटीज में क्या क्या हो सकता है, परचेज, मैन्युफैक्चर एंड सेल, मेनली यही होता है। या तो खरीद लो, मतलब ट्रेडर हो, किसी से स्टॉक कर रहे हो सामान खरीद के फिर उसे बेच रहे हो, मतलब होलसेलर रिटेलर इस तरह से, या फिर खुद मैन्युफैक्चरर हो तो फिर खुद डायरेक्ट भी सेल कर सकते हो, बाकी रिटेलर से, रिटेलर के थ्रू, होलसेलर के थ्रू भी बेच सकते हो। और बैलेंस शीट मतलब बिजनेस नीड्स सम रिसोर्सेस। बैलेंस शीट में क्या रहता है, बैलेंस शीट में रहता है लाइबिलिटी और एसेट। एसेट क्या होता है, रिसोर्स विच हैव लॉन्गर लाइफ से मोर देन ए ईयर। बैलेंस शीट में रिसोर्सेस के बारे में बताया जाता है और रिसोर्सेस का लाइफ जो होता है वो 1 साल से ज्यादा ही होता है। सच रिसोर्सेज आर देयर फॉर नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ये मतलब एक फिक्स्ड एसेट खरीद लिए तो सिर्फ ये उसी ईयर के लिए वैलिड है, ऐसा बात नहीं है। ये जब तक हम लोग यूज कर पाएंगे, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ये तब तक वैलिड होते रहेगा, यानी हर अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। बट आर टू बी यूज ओवर द यूजफुल लाइफ देयर ऑफ, जितना दिन इसका लाइफ जो है ये यूजफुल हालत में रहेगा हम लोग इसे यूज करेंगे। द रिसोर्सेज डू नॉट कम फ्री, लेकिन रिसोर्सेज तो ऐसे ही नहीं कि रिसोर्स मिल जाएगा, फ्री तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो वन रिक्वायर्स फाइनेंस टू एक्वायर देम, मतलब तुम्हें अगर एसेट क्रिएट करना है, मतलब बैलेंस शीट का इधर का पोर्शन जो है इसे अगर फिलअप करना है तो इधर भी करना पड़ेगा। दैट्स वाई तो बैलेंस शीट ना, दोनों बैलेंस कैसे होगा, अगर इधर कुछ दे रहे हो तो इधर भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो अगर एसेट बन रहा है तो लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि रिसोर्स बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस करना पड़ेगा, पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा। तो फाइनेंस करेंगे तभी हम लोग एसेट एक्वायर कर पाएंगे। दिस फंडिंग इज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स थ्रू देयर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड अदर थ्रू लोन सप्लायर्स बाय वे ऑफ क्रेडिट टर्म। अब किस तरह से हम लोग बिजनेस में फंडिंग कर सकते हैं, खुद का पैसा लगा सकते हैं, खुद का इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, बैंक बैलेंस यूज कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, सप्लायर से क्रेडिट ले सकते हैं, इस तरह से हम लोग अपना रिसोर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। द बैलेंस शीट शोज द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेस एंड द फंडिंग ऑफ रिसोर्सेस। बैलेंस शीट एक्चुअली क्या है, सोर्स ऑफ रिसोर्सेस और जो होता है एंड फंडिंग ऑफ द रिसोर्सेस। तो हम लोग के पास क्या क्या रिसोर्स है, यानी एसेट, और उस एसेट को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने किस तरह से फंडिंग किया है वो हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट में। अब ये देखो टूवर्ड्स लाइबिलिटी, ये देखो एक्चुअली एसेट एंड लाइबिलिटी इसे ही बोला जाता है। एसेट मतलब जो ओनर का है, लाइबिलिटी मतलब जो आउटसाइडर का है, क्योंकि लाइबिलिटी तभी बोलते हैं आउटसाइडर को पे करना पड़ता है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड भी बोलते हैं इसे, सोर्स ऑफ फंड मतलब ये लाइबिलिटीज को, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। तो एक्चुअली जो लाइबिलिटी साइड होता है ना बैलेंस शीट का, हम लोग बोलते हैं दो साइड होता है, लेकिन नहीं, एक्चुअली जो बैलेंस शीट है ना वो एकदम सही तरह से बोलो तो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एक एसेट, एक कैपिटल और एक लाइबिलिटी, क्योंकि कैपिटल और लाइबिलिटी में फर्क होता है, नहीं तो अलग क्यों लिखते। कैपिटल जो होता है वो ओनर रिलेटेड होता है, जबकि लाइबिलिटी जो होता है वो आउटसाइडर का होता है, और कैपिटल जो होता है वो ओनर का खुद का होता है इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। लेकिन अगर उसी को कंपनी फॉर्म में ले जाओगे तो उसमें फिर शेयर कैपिटल वाला बात आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी नहीं होता है, जबकि इक्विटी शेयर जो होल्डर लोग होते हैं वो ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी होता है, तब उसमें अलग केस आ जाएगा। लेकिन तुम लोग को यहाँ पर नॉर्मली जो करना है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ही करना है। तो ये जो कैपिटल, ये ओनर्स फंड होता है, और जो लाइबिलिटी होता है वो आउटसाइडर फंड होता है। ये देखो एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, और ये जो हम लोगों ने फंड इकट्ठा किया, चाहे वो कैपिटल के थ्रू से करो चाहे लाइबिलिटी के थ्रू से करो, एसेट क्या है, एसेट इसी फंड का एप्लीकेशन है, इससे हम लोग किस तरह से क्या क्या एसेट खरीद रहे हैं। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ फंड वही हम लोग का एसेट है। अब एसेट, लेट अस डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन डेप्थ, उसके बारे में और कुछ बता रहा है, देखो क्या बताया, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग नहीं बताया था पहले, तो ट्रेडिंग के बारे में भी कुछ बताया है। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है वो तो तुम लोग को पता है, ट्रेडिंग में क्या, ट्रेडिंग करके हम लोग को एक्चुअली
मिलता क्या है, फाइंड आउट क्या होता है? ट्रेडिंग से हम लोग को फाइंड आउट होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, लेकिन हम लोग इसे ग्रॉस क्यों बोलते हैं, फिर पीएल बना के नेट क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मतलब हम लोग जो बिजनेस का एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हम लोगों का एक्चुअल एक्टिविटी है, उसके थ्रू चाहे हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर सर्विस प्रोवाइड करें, दो ही चीज हो सकता है, या तो कुछ प्रोडक्ट सेल कर दो या फिर सर्विस सेल कर दो। अब अगर हम लोग सेल कर रहे हैं गुड्स या प्रोडक्ट, उसका जो प्रॉफिट आता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है? जो यहाँ पर हम लोग सिर्फ अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट को लेके उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते कि इतना कॉस्ट इनकट किया था, इतना हम लोगों का सेल हुआ है प्रॉफिट लगा के, तो वहां पर हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। लेकिन बिजनेस में सिर्फ बेच दिए, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो गुड्स हो, तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है उसमें हम लोग बाकी एक्सपेंस को ऐड नहीं करते, लाइक सैलरी हो गया या, मतलब मेंटेनेंस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, ऑडिटर का फीस हो सकता है, और प्रिंटिंग पोस्टेज हो सकता है, इस तरह का बहुत सारा खर्चा जो होता है वो हम लोग ट्रेडिंग में शो नहीं करते। एक्चुअली ट्रेडिंग में हम लोग सिर्फ इतना ही देखते हैं कि हम लोगों ने जो सर्विस या फिर जो प्रोडक्ट बेचा है उसको बेच के क्या प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए उसे ग्रॉस लिखते हैं। लेकिन अब इस बिजनेस को मेंटेन करने का भी तो खर्चा है, सिर्फ प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने का खर्चा नहीं होता है। अब जो भी जिस तरह से हम लोग उसे बेच रहे हैं, उसका जो एसोसिएटेड जो भी एक्सपेंसेस होता है उसे लेस करने से जो होगा उसे हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट हम लोग खुद यूज कर सकते हैं दैट इज नेट प्रॉफिट होता है। अब देखो ट्रेडिंग इन लोगों ने क्या बोला, इट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाई मर्चेंडाइज कंसर्न विच परचेज गुड्स एंड सेल्स द सेम ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। यहाँ पर हम लोग यही दिखाते कि हम लोगों ने कितना गुड्स खरीदा है और उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना उसे कितने में उसे बेचा है। द पर्पस ऑफ इट टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एफिशियंसी। इससे हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है। अब यहाँ पर क्या क्या रहता है ट्रेडिंग में, देखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये होता है सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है? अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करते हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर होता है तभी होगा, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसे बनाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। लेकिन कोई अगर ट्रेडर होगा तो उसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनाना पड़ेगा, उसे ये तीन बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरर होगा तो उसे ये चार बनाना पड़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, लेकिन उसमें होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल। लेकिन जो ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक होता है, तुम ट्रेडर जब हो तो तुम मैन्युफैक्चरर नहीं हो, तो रॉ मेटेरियल से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। यानी ट्रेडिंग में जो ओपनिंग स्टॉक होगा या फिर क्लोजिंग स्टॉक होगा वो ऑलवेज फिनिश्ड गुड्स का ही होगा, फिनिश गुड्स का स्टॉक ही ट्रेडिंग में आएगा, और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग में आएगा, क्लोजिंग भी आएगा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो WIP हो सकता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, WIP स्टॉक हो सकता है, वो सब मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब जो लोग ट्रेडर है, ओपनिंग स्टॉक मीन्स द फिनिश गुड्स ओनली, द अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक शुड बी टेकन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस होता है वो तुम लोग को पता है, फाइनल अकाउंट हम लोग कब प्रिपेयर कर पाते हैं, पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ही फाइनल अकाउंट। तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक अगर ट्रेडिंग में लिखा हुआ है तो वो हमेशा फिनिश्ड गुड्स को ही डिनोट करेगा। परचेज, परचेज मतलब हम लोग अगर ट्रेडर है तो गुड्स खरीदना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद ही हम लोग उसे प्रॉफिट लगा के बेच देते हैं। द अमाउंट ऑफ परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर, परचेज इंक्लूड परचेज जो हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग में, उस वो लेकिन कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों का ही टोटल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ कैश या क्रेडिट लिखते हैं, ऐसा बात नहीं है। ये एक्रूड एंड पेड दोनों बेसिस पे ही ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनता है। तो कैश क्रेडिट दोनों परचेज मिला के परचेज लिखा जाता है, और हम लोग इससे अगर कुछ लेस करते हैं तो तुम लोग को पता है रिटर्न जो होता है, परचेज रिटर्न, ताकि नेट परचेस पता चले। अगर गुड्स विदड्रॉल बाय प्रोप्राइटर होता है, प्रोप्राइटर मतलब जो बिजनेस का ओनर है, वो अगर अपने स्टॉक से कुछ लेके चला जा रहा है तो परचेस से लेस करना पड़ता है, बिकॉज स्टॉक कम हो रहा है, तो उसे हम लोग को मेंटेन करने के लिए लेस करना पड़ता है। या फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अगर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं, अगर बिजनेस नया है, अगर हम लोग प्रोडक्ट प्रोमोट करना चाहते हैं, तो अगर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा परचेज यानी स्टॉक जो है, परचेज करने से तो स्टॉक ही बढ़ता है, तो अगर स्टॉक कम हो रहा है सेल के अलावा किसी और तरीके से, तो फिर हम लोग उसको परचेज से माइनस करके लिखते हैं। ये एक फॉर्मेट है, बाकी बाई
सेल के तरह बाय गुड्स विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल लिखोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, लेकिन ये फॉर्मेट जो है यहाँ पर अकाउंट का जो रूल्स रेगुलेशन होता है उसके हिसाब से ये बताया गया है कि परचेस से माइनस करके लिखो। अब डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है, जो स्टॉक हम लोग परचेस कर रहे हैं उसे सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए यानी हमारे बिजनेस लोकेशन तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा होगा उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। इट मीन्स ऑल दोज एक्सपेंस विच आर इनकर्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेस टू मेकिंग द गुड्स इन सूटेबल कंडीशन, मतलब वही तुम्हारे बिजनेस लोकेशन तक पहुंच जाए ताकि तुम उसे सेल कर पाओ। दिस एक्सपेंसेस में क्या क्या होता है, फ्रेट इनवर्ट फ्रेट मतलब भाड़ा हो गया, ऑक्ट्रॉय मतलब अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहा है तो जो टैक्स पे करना पड़ता है उस स्टेट गवर्नमेंट को तो उसे बोलते हैं ऑक्ट्रॉय, वेजेस एटसेट्रा। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब अगर ट्रेडिंग साइड में तुम्हारा जो खर्चा अगर कम हो रहा है और अगर सेल करके प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, और अगर इनकेस उल्टा हो गया अगर सेल का वैल्यू कम हो गया जबकि इनकर्ड कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो गया तो हो जाएगा ग्रॉस लॉस। सेल्स रेवेन्यू, सेल्स मतलब होता है बिजनेस का जो मेन एक्टिविटी होता है उससे हम लोग को जो भी मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे सेल। द इनकम इज अर्न्ड व्हेन गुड्स और सर्विस आर सोल्ड, मैंने अभी बताया था हम लोग या तो गुड्स बेच सकते हैं या फिर सर्विस बेच सकते हैं, इससे जो इनकम होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेल्स रेवेन्यू। इफ देयर इज एनी रिटर्न, अगर रिटर्न होगा तो ये सेल से माइनस कर लेना चाहिए एज पर द एक्रूवल कंसेप्ट। अभी मैंने बताया ये एक्रूवल एज वेल एज मतलब कैश बेसिस पे होता है, तो एक्रूवल कंसेप्ट में क्या होता है, इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज इट इज एक्रूड एंड नॉट नेसेसरली व्हेन ओनली व्हेन द कैश इज पेड फॉर। ठीक है, तो कैश जो तुम लोग बाय सेल्स लिखते हो इसमें कैश क्रेडिट दोनों ही रहता है, इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ पैसा मिलने से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऐसा बात नहीं है, जब भी हम लोग को लगे कि इनकम रिकॉग्नाइज हो चुका है तो हम लोग को वो एज ए सेल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अब इसके ऊपर तुम लोग का ग्रुप वन में ही दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, जहां पर ये बताया गया है कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्निशन करना चाहिए, मतलब कब हम लोग रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस, इसका रूल्स अलग होता है। अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस है तब वो रेवेन्यू को किस तरह से शो करे अपने बैलेंस शीट में या फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और इन अदर केस मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस को छोड़ के बाकी सारे केसेस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 फॉलो होता है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए। द एसेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ बोथ स्टैंडर्ड इज दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन। अब रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये दोनों स्टैंडर्ड किस पे बेस्ड है, देखो रेवेन्यू तभी हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे जब ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा जो बायर है उसके हाथ में। ये देखो द प्रोविजन ऑफ बोथ स्टैंडर्ड इज दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ट्रांसफर टू कस्टमर। जैसे देखो यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, इफ एन इनवॉइस इज मेड फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड द टर्म ऑफ सेल इज डोर डिलीवरी, मतलब अगर डिलीवरी करना है किसी गुड्स का और इनवॉइस रेडी हो चुका है, गुड्स डिलीवरी करना है हम लोगों को, लेकिन हम लोग इसे तब तक सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं जब तक डिलीवरी कंप्लीट नहीं हो रहा है, देन सेल कैन बी रिकॉग्नाइज, सेल बोल के तभी रिकॉग्नाइज करेंगे ओनली ऑन गेटिंग द प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। जैसे मान लो कुछ भी ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट अमेजोन बिग बास्केट कहीं पर भी ऑर्डर करो, लेकिन जिसे तुम मतलब जब कंपनी तब तक उसे सेल रिकॉर्ड नहीं करेगी जब तक उसे ये पता ना चल जाए, ये कंफर्मेशन नहीं मिल जाए कि कस्टमर तक सामान पहुंच चुका है, और डिलीवरी का कंफर्मेशन नहीं मिलने से उसे सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकती, चाहे वो सीओडी हो चाहे वो पहले से ही पेड हो। क्योंकि अगर बाय चांस डिलीवरी नहीं कर पाए वो लोग तो उन लोग को क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस कर देना पड़ेगा कि ये वाला चीज हम लोग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और सीओडी होने से क्या होगा, सामान नहीं पहुंचेगा, हम लोगों ने पैसा पेमेंट नहीं किया, इसीलिए डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा, जब तक मतलब जो गुड्स हम लोगों ने ऑर्डर किया है उसका जो भी मतलब उसका जो ओनरशिप है वो जब तक कस्टमर के पास ट्रांसफर नहीं हो रहा है तब तक हम लोग इसे सेल बोल के रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कंपनी के तौर पे। तो इस तरह से ये AS 7 और AS 9 इसी बेसिस पे बना हुआ है। इसका डिटेल्स जब हम लोग AS पढ़ेंगे तो तब हम लोग इसको फिर से और एक बार पढ़ लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है,
इफ सच प्रूफ इज पेंडिंग, अगर ये पेंडिंग रह जाता है कि हम लोग को नहीं पता चला गुड्स डिलीवरी हुआ कि नहीं हुआ उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए, सपोज अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने वाला है लेकिन कुछ गुड्स डिलीवरी हम लोगों ने किया था लेकिन उसका जो प्रूफ मतलब डिलीवर्ड हुआ है कि नहीं वो पेंडिंग है, तो फिर वो सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग सेल्स बोल के रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे, बट विल बी ट्रीटेड एज अन अर्नड इनकम, इसे हम लोग इनकम बोल के ट्रीट नहीं कर पाएंगे, चाहे इनवॉइस रेस हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब तो पता ही है, जो स्टॉक बच जाएगा फिनिश गुड्स का उसे हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर जो मेन पॉइंट होता है, कभी कभी क्वेश्चन में दो वैल्यू दे देता है क्लोजिंग स्टॉक का, तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का यही रूल्स होता है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, मतलब अगर मार्केट में कुछ भी प्राइस इधर उधर हुआ है या फिर कुछ नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है या फिर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो भी हमारे हिसाब से हमारे क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट है या फिर ये मार्केट में जितने में रियलाइज हो सकता है, अगर ये दो केस अपीयर हो जाता है तो दोनों में से जो लोअर होगा उसी पे हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ग्रॉस लॉस मतलब तो पता ही है, अगर एक्सपेंस ज्यादा, अभी मैंने बताया था अगर हम लोग का खर्चा ज्यादा हो गया है और इनकम कम हुआ है तो उसमें हम लोग को ट्रेडिंग में मिलेगा ग्रॉस लॉस। अब ट्रेडिंग में क्या क्या आ सकता है यहाँ पर बता दिया है, ओपनिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक मतलब हमेशा वो फिनिश गुड्स ही होता है जिसे तुम लोग टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, टू परचेज उससे लेस हो सकता है रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और ये प्रॉफिट हमेशा ट्रांसफर हो जाता है पीएल में, सेल सेल से सेल्स रिटर्न माइनस कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ये भी फिनिश गुड्स का ही होता है, ये ओपनिंग भी उसी का ही होता है क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग बना रहे तो ट्रेडर है, अगर प्रॉफिट हुआ तो जीपी और लॉस हुआ तो इधर। और एक चीज याद रखो, ये कॉस्ट पे होता है, ये भी कॉस्ट होता है, ये भी कॉस्ट होता है, परचेज रिटर्न भी कॉस्ट, अगर परचेज कॉस्ट पे है तो परचेज रिटर्न भी कॉस्ट होगा, सेल्स रिटर्न ये नहीं, क्लोजिंग स्टॉक जो है कॉस्ट पे होगा, फिनिश गुड्स जो है कॉस्ट पे होगा, सेल्स जो है ये सेलिंग प्राइस पे होता है, सेल्स रिटर्न भी हम लोग माइनस जो करते हैं सेलिंग प्राइस पे ही करते हैं, तो सेलिंग प्राइस माइनस कर देने के बाद यहाँ पर नेट सेल आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस कर देने के बाद परचेस का नेट कॉस्ट आ जाएगा, तो ये सारा ही कॉस्ट पे है, सिर्फ इधर प्रॉफिट है, तो इधर अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पर ये प्रॉफिट जो है ये माइनस होके इधर आ जाता है, अगर प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है तो इधर आएगा, और इधर एक्सपेंस ज्यादा हो गया है, प्रॉफिट कम हुआ है या फिर लॉस हुआ है तो फिर ये वैल्यू जो है इधर आ जाएगा, इसीलिए सिर्फ प्रॉफिट ही यहाँ पर शो होता है बिकॉज सारे चीज कॉस्ट पे है, तो कॉस्ट सारा टोटल करो, अगर कॉस्ट ज्यादा है तो ये लॉस हो जाएगा, अगर कॉस्ट कम है तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अलावा क्या क्या माइनस होगा वहां पर लैंग्वेज में बताया ही था, परचेस से हम लोग फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन माइनस करेंगे क्योंकि वो स्टॉक को कम कर देता है, इसके अलावा हम लोग प्रोपराइटर अगर पर्सनल यूज के लिए ले रहा है तो उसे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर एक सम्स है, मैंने तो बताया किस तरह से एडजस्ट करना चाहिए और तुम लोगों ने सबने फाइनल अकाउंट तो किया ही है, तो एक काम करो ये वाला मुझे बताओ, यहाँ पर ट्रेडिंग करने बोला है प्रिपेयर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के मुझे बताओ कि कितना आंसर हो रहा है, हम वेट कर रहे हैं, इसमें प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट करना है तुम लोगों को। नीचे भी कुछ इंफॉर्मेशन है तो तुम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक बार दिखा देते हैं, नीचे दो पॉइंट बचा हुआ है, नीचे दो पॉइंट है, फटाफट रफ में लिखो और मुझे बताओ कि जीपी हो रहा है या जीएल, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस हो रहा है, और अभी मैंने जितना सारा बताया कि किस तरह से कॉस्ट को वैल्यू करना चाहिए ये सब अगर पता है तो भी ठीक है, अगर नहीं पता है तो अभी जैसे बताया उस बेसिस पे करो हो जाएगा।
कर रहे हो ना तुम लोग? मैम जीपी आएगा 1,06,000। नहीं, आंसर होगा 98,000। जीपी आएगा बट आंसर होगा 98,000। ओ गैस और ये रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन का। 98,000। नाइनटी एट थाउजेंड 98,000। अच्छा देखो, हम जो ये तो हो जाएगा, ठीक था, उतना टफ नहीं है। हम एक बार शो कर देते किस तरह से, यहीं पर दिखा देते सॉल्यूशन कि अगर किसी का गलती हुआ है तो उसे ठीक कर लो। देखो, ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट साइड जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक, जो डेटा दिया हुआ था वही लिखा हुआ है, 10,000। टू परचेज 1,60,000 लिखा हुआ था, लेस रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब होता है जो हम लोग बाहर भेज रहे, तो बाहर कौन सा भेजेंगे, जो हम लोगों ने खरीदा था। इसमें बहुत जन को कंफ्यूजन हो जाता है, रिटर्न आउटवर्ड कहाँ जाएगा, इनवर्ड कहाँ जाएगा। आउटवर्ड मतलब हम लोग बाहर भेज रहे हैं, तो जो खरीदे थे उसे बाहर भेज सकते हैं। और इनवर्ड मतलब हम लोग के पास रिटर्न आ रहा है, यानी सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। तो दो रिटर्न हम लोगों ने माइनस कर दिया जितना था। अब मैंने बताया था तीन चीज है जो माइनस हो सकता है परचेज से, एक रिटर्न और एक गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज किया गया है 3,000 का गुड्स, तो ये माइनस होकर 1,47,000। और गुड्स इन ट्रांजिट ऐड होगा, अगर तुम लोग गुड्स इन ट्रांजिट का कोई मतलब ट्रीटमेंट नहीं करोगे, तो बोथ साइड नहीं करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन करना चाहिए कि गुड्स इन ट्रांजिट हम लोग ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि ये तो एक्रूड बेसिस पे होता है ना, तो हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है लेकिन अभी तक वो हमारे पास आया नहीं है, पहुंचा नहीं है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो खर्चा तो इनकट होने वाला है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शो तो करना पड़ेगा कि कितना है वो रेवेन्यू के चलते। इसके साथ तुम लोग वो AS 79 को मत कंफ्यूज कर दो, बिकॉज वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, परचेज नहीं। इसका मतलब हम लोगों ने गुड्स इन ट्रांजिट जो है उसको भी ऐड करना है, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि टोटल परचेज जो है वो 1,53,000 का है। वेजेस अब आउटस्टैंडिंग मतलब हम लोग को पे तो करना है लेकिन इसी ईयर का बाकी है, तो 4,000 34,000 हो जाएगा। एडजस्टमेंट दिया हुआ था, कैरेज इनवर्ड में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, फ्रेट जो है वो लिखा हुआ था कि हम लोगों ने एडवांस किया है, तो एडवांस माइनस इसलिए होता है क्योंकि ये ड्यूरिंग द अकाउंट मतलब इस अकाउंटिंग पीरियड के साथ रिलेटेड नहीं है। अगर इस अकाउंटिंग पीरियड के रिलेटेड नहीं है तो माइनस करेंगे इसीलिए, ताकि हम लोग को इस अकाउंटिंग पीरियड का ग्रॉस प्रॉफिट पता चले। तो अगर हम लोगों ने एक्स्ट्रा पेमेंट करके रखा है तो उसे माइनस करेंगे, क्योंकि खर्चा 8,000 शो हो रहा है जबकि खर्चा शो होना चाहिए 7,000। और आउटस्टैंडिंग के केस में 30,000 शो हो रहा है, आउटस्टैंडिंग मतलब हम लोगों ने बाकी रखा है। क्या बाकी रखा है, खर्चा, तो फिर ऐड करो क्योंकि इस साल का खर्चा 34,000 है। अगर हम लोग 30,000 दिखाएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा जो कि गलत है, और यहाँ पर फ्रेट वाला अगर हम लोग 8,000 दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम दिखाएगा 1,000 से, जो भी गलत है। तो हम लोग को हमेशा मेंटेन करना है कि
हम लोग अकाउंटिंग पीरियड जो है उसे मेंटेन करें, जो जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम लोग जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना रहे हैं उस अकाउंटिंग पीरियड को कवर करना चाहिए, वो खर्चा हो या फिर इनकम हो, उस हिसाब से हम लोग प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद देखो क्या है, रॉयल्टी। रॉयल्टी जो है प्रोडक्शन रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन करने पे रॉयल्टी पे करना पड़ता है, तो रॉयल्टी खर्चा है 6,000, गैस एंड फ्यूल 2,000। अच्छा, यहाँ पर सेल्स का जो था रिटर्न वो माइनस कर दिया गया है 16,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 होगा, बिकॉज मैंने बता दिया है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। मैंने बताया था ना, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, या फिर बोल सकते हो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब ही तो हो गया या मार्केट प्राइस ना, मतलब हम लोग को कितना मिल सकता है। तो मार्केट बता रहा है 24,000 मिल सकता है, जबकि हमारा कॉस्ट प्राइस है 20,000, तो हम लोग हमेशा लोअर वैल्यू यूज करेंगे, तो 20,000 से हम लोग को इसे रिकॉर्ड करना है। अब जो स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉयड जो हो गया था उसे हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, क्यों, ताकि हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सही पता चले, नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे यहाँ पर आ गया 30,000, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो बना है वो परचेज और ओपनिंग स्टॉक से ही बना होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक पूरा बिक गया होगा तो परचेज से बना होगा, तो खर्चा अगर इनकर्ड हुआ है तो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक भी तो सही दिखाना चाहिए। वो डिस्ट्रॉयड हो गया वो अलग बात है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक अगर हम लोग कम दिखा देंगे तो हम लोग का जीपी जो है वो रॉन्ग आएगा। और गुड्स इन ट्रांजिट जो है यहाँ पर जैसे ऐड किया हम लोगों ने ये दिखाने के लिए कि हम लोगों का कितना खर्चा हुआ है टोटल परचेस का, लेकिन क्योंकि वो ट्रांजिट में था तो वो सेल में इंक्लूडेड तो हो नहीं सकता। अगर कोई गुड्स ट्रांजिट में है तो हम लोग उसे सेल नहीं कर सकते, इसका मतलब उसे भी हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, उसे भी हम लोग मानेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में उसे ऐड कर दिए तो 36,000 आ जाएगा, और तो कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं था। और इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम है उसका एंट्री क्या होता है, उसका ट्रेडिंग रिलेटेड कोई एंट्री नहीं होगा। इंश्योरेंस कंपनी से जब क्लेम मिलता है तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, जितना क्लेम मिल गया यहाँ पर बताया था 6,000, और गुड्स कितने का था, गुड्स था 10,000 का, पीएल अकाउंट डेबिट, तो लॉस कितने का हो गया 4,000, ठीक है, टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी लिख सकते हैं या फिर हाँ टू इंश्योरेंस कंपनी लिख देते हैं 10,000। तो इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट 6,000, पीएल डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पर ये वाला हम लोग यहाँ पर इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो बैंक अकाउंट डेबिट ये तो बैंक अकाउंट नहीं है, पीएल डेबिट 4,000, तो ये यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा, इसीलिए ये 6,000 का कोई भी एंट्री यहाँ पर पास नहीं होगा। पहले एक्चुअली ड्यू किया जाता है ये वाला जो है, पहले ड्यू किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, हम लोग डेटर बनाते हैं उससे पैसा लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट इस तरह से हम लोग डेटर बनाते हैं, उसके बाद जब रिसीव होता है तो ये कैंसिल हो जाता है, इसीलिए ये टू इंश्योरेंस कंपनी बोल के कैंसिल हो जाएगा। और सारा डेटा लिखने के बाद ठीक से कैलकुलेट करोगे तो ये 90,000 शो करेगा। अब पीएल के बारे में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोला है कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या क्या होता है पीएल में, हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब द टर्म रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स को बेचने के लिए जो भी खर्चा हम लोगों ने किया है उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। द गुड्स कुड बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड और कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद गुड्स। तो ये जो खर्चा है ये हम लोग गुड्स के साथ ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब बिकवाने का जो भी खर्चा, जैसे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिलीवरी वैन का खर्चा हो गया, ये सब ऐड करने के बाद हम लोग का गुड्स बिका है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी पीएल में हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स को शो करते हैं। या और अदर एक्सपेंस जो भी होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एक साथ यहाँ बता दिया, एग्जाम्पल्स जैसे दिया हुआ है पता ही है तुम लोग को, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, सेल्समैन कमीशन, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, इनडायरेक्ट या फिर अदर, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट मतलब जो गुड्स के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है, मतलब अभी वो खर्चा करना पड़ेगा नहीं तो वो स्टॉक तुम्हारे पास नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये जो है ये तुरंत खर्चा नहीं करना है, स्टॉक तुम्हारे पास आ गया, स्टॉक को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा है ये वो वाला खर्चा नहीं है, इसको सेल करवाने का खर्चा है, और वो है स्टॉक करने के पहले का खर्चा, ये स्टॉक हो जाने के बाद का खर्चा, वो है बिफोर गो डाउन, ये है आफ्टर गो डाउन। इंश्योरेंस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, एडवर्टाइजिंग, फ्री सैंपल, बैड डेब्ट्स एटसेट्रा, मतलब एक बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जितने तरह का खर्चा या फिर लॉस जैसे कि बैड डेब्ट ये सब बियर करना पड़ता है उसे हम लोग पीएल में लिखेंगे।
इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर कोई फिक्स्ड एसेट हम लोग बेचते रहे तो उसका लॉस, इंटरेस्ट, प्रोविजन, प्रोविजन तो अभी इतना कुछ किए तुम लोग, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर प्रोविजन और बैड एंड डाउटफुल डेट, तो वो सब पीएल में ही चार्ज होता है, तभी हम लोग बाई पीएल लिख रहे थे. स्टूडेंट शुड बी केयरफुल टू इंक्लूड एक्रूड एक्सपेंस एज वेल. एक्रूड एक्सपेंस मतलब वही, अगर आउटस्टैंडिंग कुछ होगा तो उसके बारे में तुम लोग को देखना है और उसका भी ट्रीटमेंट करना है. एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या हो सकता है, जैसे स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, अगर लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया गुड्स, ठीक है, या फिर डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, या फिर स्टोलेन है, इस तरह का कुछ भी. एबनॉर्मल मतलब जो हम लोग मानेंगे कि हमारे कंट्रोल में था लेकिन हम लोगों ने नहीं किया उसे अच्छे तरह से मेंटेन, उसी वजह से लॉस हुआ, उसे बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस. उसके बाद है रेवेन्यू इनकम. रेवेन्यू इनकम मतलब द इनकम्स अराइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विच इंक्लूड्स कमीशन रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट एटसेट्रा, और अदर इनकम दिस बिजनेस विल जनरेट इनकम. अच्छा, यहाँ रेवेन्यू इनकम मतलब नॉर्मली सेल होता है, ये शायद इन लोगों से कुछ मिस हुआ है. रेवेन्यू इनकम मतलब सेल होता है, अदर इनकम मतलब वो होता है सेल के अलावा कुछ इनकम, जैसे पीएल में तुम लोग लिखते हो बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला है कहीं इन्वेस्ट करके रखे हो, बाय डिविडेंड रिसीव, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे हो वहां डिविडेंड मिल गया, या फिर बाय डिस्काउंट रिसीव्ड. ये सब क्या है, ये डायरेक्ट इनकम नहीं है, ये इनडायरेक्ट है, ये डे टू डे का नहीं है, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये अदर एक्टिविटी है, उसके थ्रू से मिल रहा है. बिजनेस एक्टिविटी से जो मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू या फिर सेल इनकम. अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, द बिजनेस विल जनरेट इनकम अदर देन फ्रॉम इट्स मेन एक्टिविटी. मेन एक्टिविटी को छोड़ के भी बिजनेस इनकम जनरेट कर सकता है. दीज आर प्योरली इंसिडेंटल. इट विल इंक्लूड आइटम्स लाइक इंटरेस्ट रिसीप्ट, मैंने अभी बताया, डिविडेंड रिसीप्ट एटसेट्रा. द एंड रिजल्ट ऑफ वन कॉम्पोनेंट ऑफ द पी एल इज ट्रांसफर्ड ओवर टू द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट एंड देन एंड द नेट रिजल्ट विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट एज एडिशन इन ओनर्स इक्विटी. मतलब ये बोलना चाह रहा है कि पी एल से जो भी आता है, जैसे नेट प्रॉफिट आ जाए या फिर नेट लॉस आ जाए, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, वो डायरेक्टली ओनर्स इक्विटी जो होता है उसमें जाके ऐड या लेस हो जाता है. जैसे तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हो तो कैपिटल में क्या कर देते हो, डायरेक्टली ऐड कर देते हो नेट प्रॉफिट, और अगर लॉस होता है तो माइनस कर देते हो नेट लॉस. द प्रॉफिट्स एक्चुअली बिलोंग टू ओनर्स बिजनेस इन केस ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. ये जो मैंने फॉर्मेट बताया ये तुम लोग करते हो सोल प्रोप्राइटरशिप वाले में, लेकिन अगर कंपनी अकाउंट्स फॉलो करोगे तो कंपनी अकाउंट्स में देखो इक्विटी लाइबिलिटी बोल के जो होता है अभी जो फॉर्मेट चल रहा है कंपनी अकाउंट्स का, उसमें अभी ये टी शेप में नहीं होता है. इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखने के बाद इसके अंडर लिखा जाता है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंडर लिखा जाता है शेयर कैपिटल, उसके बाद लिखा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस, और उस प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में दिखाया जाता है अलग से. बिकॉज ये जो प्रॉफिट होता है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ये जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ ओनर का ही उस प्रॉफिट पे हक है, लेकिन कंपनी में बहुत सारे ओनर होते हैं क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर बहुत सारे हैं, तो वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उससे डिविडेंड वगैरह दिया जाता है, तो इसीलिए उसे हम लोग डायरेक्टली कैपिटल यानी इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ एड या लेस इस तरह से कुछ भी नहीं करते हैं. हम लोग रिजर्व सरप्लस के अंडर में अलग से उसे शो करना पड़ता है. तो ये यहाँ पर एक पॉइंट था जो तुम लोग ध्यान में रख सकते हो कि नॉर्मली अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो कैपिटल जो होता है वो कैपिटल के साथ प्रॉफिट जो होता है वो ऐड या लेस हो जाता है क्योंकि वो ओनर को ही बिलोंग करता है, लेकिन जब कंपनी होता है तो वो ओनरशिप जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसलिए प्रॉफिट को अलग से बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस जो हेड होता है उसके अंडर में हम लोग को शो करना पड़ता है. अब यहाँ पर एक पीएल का फॉर्मेट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो ब्रॉड डाउन हो जाएगा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो भी होगा यहाँ हम लोग चार्ज करेंगे, ऑफिस सैलरी, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, कन्वीनियंस, ऑफिस रेंट, डेप्रिशिएशन, जैसे फिक्स्ड एसेट है उसे मेंटेन करने का खर्चा, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन कमीशन, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, डेप्रिशिएशन ऑन डिलीवरी वैन, बैड डेब्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपेंस, बैंक चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक
अच्छे तरह से पैटर्न बना दिया है कि देखो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऑफिस रिलेटेड खर्चा, इसीलिए ऑफिस सैलरी, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस है, एसेट ऑडिट, ये भी ऑफिस रिलेटेड खर्चा है, इंश्योरेंस, रिपेयर्स। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब गुड्स को अगर सेल करवाना है, मार्केटिंग का जो खर्चा होता है उसको किस तरह से दिखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन कमीशन, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, ये सब फाइनेंशियल में बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, लोन वगैरह। और यहाँ पर अदर इनकम में ये देखो इंटरेस्ट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, रेंट रिसिप्ट, एंड अगर नेट लॉस होता है तो नेट लॉस, और नेट प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, इलास्ट्रेशन 7, और ये तुम लोग मुझे पीएल बनाओ के बताओ कितना होगा। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नीचे वाला शो करते हैं। इलस्ट्रेशन 7 है, एडजस्टमेंट भी है नीचे, सिर्फ इससे पीएल प्रिपेयर करके मुझे बताओ आंसर कितना होगा। तुम लोग नॉर्मल लिख सकते हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हेड करना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में।
मैम 66,100। हाँ 66,100। सिक्सटी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड आंसर होगा। ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट है तो तुम लोग का टू ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा ट्रेडिंग में। तो पीएल में क्या लिखना है, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, रेंट जो है इसका लिखना है टू रेंट 22,000। लेकिन रेंट का एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, रेंट जो है वो 11 मंथ्स के लिए पे किया गया है। तो रेंट अगर 11 मंथ्स के लिए पे किया गया है 22,000, 11 मंथ्स का रेंट अगर हो रहा है 22,000, तो हर मंथ का रेंट कितना हो रहा है 22,000 अगर 11 मंथ्स का है, ये 11 मंथ्स के लिए, तो पर मंथ कितना हो जाएगा 22,000 डिवाइडेड बाय 11, 2,000। हम लोग को अकाउंटिंग ईयर हो या फिर कोई भी ईयर हो, ईयर मतलब हम लोग को इतना पता है ना कि 12 मंथ्स का होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 मंथ का जो एक्सपेंस है वो कम दिखाया गया है, तो हम लोग इसे 1 मंथ का एक्सपेंस ऐड कर देंगे। मतलब रेंट का आउटस्टैंडिंग है ये 12 मंथ्स होना चाहिए, 11 मंथ्स है। जब तुम लोग टू रेंट लिखोगे तो वहां पर 22,000 प्लस तुम लोग को आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 यानी 24,000 लिखना पड़ेगा। उसके बाद है कमीशन। अब देखो कमीशन के ब्रैकेट में क्रेडिट लिख दिया है, इसका मतलब कमीशन रिसीव हुआ है। ये ऐसा इनकम है ना, कमीशन मिल भी सकता है, कमीशन हम लोग किसी को दे भी सकते हैं। तो अगर मेंशन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बना हुआ नहीं है, अगर ट्रायल बैलेंस बना हुआ होता तो हम लोग समझ जाते कि डेबिट साइड लिखा है या क्रेडिट साइड, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का दो डेबिट क्रेडिट दो साइड होता है, तो हम लोग उससे समझ जाते हैं। यहाँ पर जो नॉर्मल ऐसे लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो क्रेडिट लिखना जरूरी है। इसका मतलब ये इनकम है, तो हम लोग लिखेंगे बाय कमीशन 12,000। अब शायद कमीशन में भी कुछ एडजस्टमेंट था, कमीशन का एडजस्टमेंट देख लेते हैं। कमीशन में एडजस्टमेंट था इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, प्रीपेड इंश्योरेंस डिप्री, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस हम लोग का 1200 है, तो 2000 है, तो हम लोग एडवांस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एडवांस मतलब हम लोग का इस साल के साथ रिलेटेड नहीं है, तभी तो इसे हम लोग एडवांस बोल रहे हैं। इंश्योरेंस है 8,000। अच्छा इंश्योरेंस तो एक्सपेंस होता है, तो 8,000। और इंश्योरेंस के ऊपर भी देखो, इंश्योरेंस के ऊपर था यहाँ पर, अभी देखा मैंने आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये भी माइनस हो जाएगा। इंश्योरेंस अगर प्रीपेड किया है हम लोगों ने, खर्चा हम लोगों ने पहले सर्विस लिया ही नहीं, उसके पहले ही हम लोगों ने मतलब प्रीमियम का पैसा शायद आगे ही भर दिया है, ठीक है। तो जो पैसा बाद में भरने से भी होता है वो पहले ही भर दिया, तो वो हम लोग का इस साल का जो है वो 12 मंथ्स को कवर नहीं कर रहा, वो एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो उसे हम लोग माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिट दिया है मतलब हम लोग को इनकम हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे बाई इंटरेस्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट पे भी कुछ था एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब ड्यू मतलब क्या, हम लोग को मिलना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं मिला है। ड्यू हो गया है मतलब टाइम के हिसाब से हम लोगों ने उसे ड्यू कर दिया लेकिन नहीं मिला, तो आउटस्टैंडिंग, तो ये ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल के। बैड डेप्ट अभी सीखे थे हम लोग इतना कुछ बैड डेप्ट के बारे में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैड डेप्ट। बैड डेप्ट तो एक लॉस होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ये देखो 1/4/2012, और ये 31 मार्च 2013 के लिए प्रिपेयर करने बोला है, तो बाई साइड में चला जाएगा। ये ओपनिंग है, मैंने बताया था पीएल के ओपनिंग वाला बैलेंस बाई साइड में जाना चाहिए, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट 4,000। सन्ड्री डेटर 40,000 है, डिस्काउंट रिसिप्ट है 2,000। तो डेटर जो है ये तो बैलेंस शीट का डेटा है, इससे कुछ अगर इससे हेल्प से कुछ होगा तो वो आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। डिस्काउंट रिसिप्ट 2,000, तो हम लोग लिखेंगे बाई डिस्काउंट रिसिप्ट, क्योंकि रिसिप्ट हुआ है यानी इनकम है। प्लांट एंड मशीनरी 80,000, अब प्लांट मशीनरी 80,000 है तो ये तो लिख नहीं सकते एसेट डायरेक्ट, तो पीएल तो पूरा फॉल कर जाएगा। 80,000 जो है हम लोग का एसेट को मेंटेन करने का जो खर्चा, दैट इज डेप्रिसिएशन, वो लिखेंगे 10% पर है ना, तो 80,000 पे 10% यानी 8,000, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे। और यहाँ पर जो 40,000 डेटर है इसका रिलेटेड डेटा, फर्दर बैड डेप 2,000 एंड मेक ए प्रोविजन ऑफ 5%। तो बैड डेप जो हुआ है वो माइनस करेंगे फर्दर बैड डेप, तो 40,000 से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा 2,000, तो बचेगा 38,000। अब 38,000 पे 5% क्रिएट करेंगे तो हम लोग को न्यू प्रोविजन जो है मिल जाएगा। तो हम एक बार दिखा देते किस तरह से किया हुआ है, ये देखो जो भी मैंने बताया था उसी तरह से। देखो रेंट जो है 22,000, अब इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 ऐड हो जाएगा, बिकॉज ये 11 मंथ्स का था, इसमें 1 मंथ हम लोगों ने लगा दिया। सैलरी जो है
सैलरी में भी एडजस्टमेंट था। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब बता दिया है कि बाकी है तो फिर ऐड करेंगे, खर्चा है देना ही पड़ेगा। इंश्योरेंस हम लोगों ने प्रीपेड किया है तो फिर ये 12 मंथ से ज्यादा है, जितना प्रीपेड किया है उसको हटा देंगे। बैड डेट जो है वो 2000 था ऑलरेडी, और फर्दर बैड डेट जो हुआ है वो 2000 हुआ। ये देख लो बैड डेट का जो है, बैड डेट पहले से था 2000 और फर्दर बैड डेट, ये देखो फर्दर बैड डेट 2000 और यहाँ पर ऑलरेडी बैड डेट है 2000। कहाँ गया? ग्रॉस प्रॉफिट, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, ये रहा बैड डेट 2000। तो टू बैड डेट और टू फर्दर बैड डेट ऐसे भी लिख सकते हो, ऐड करके भी लिख सकते हो 4000। डेप्रिशिएशन 10% था, 80,000 पे 8000। ट्रेडिंग जो जीपी था वो ब्रॉट डाउन हो गया। कमीशन रिसीव एडवांस था माइनस हो गया। इंटरेस्ट एक्रूड था ऐड हो जाएगा। इनकम है, इनकम मिलना चाहिए नहीं मिला। डिस्काउंट रिसीव 2000 चला गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट ये 4000, ये प्रीवियस ईयर का था, देखो यहाँ ब्रॉट डाउन हो गया। न्यू प्रोविजन कैसे क्रिएट करे? डेटर 40,000 था, फर्दर बैड डेट 2000, वहाँ परसेंटेज बता दिया था, तो 40,000 से 2000 माइनस यानी 38,000 और उस पे 5% 1,900। तो इस तरह से हम लोग का आंसर आएगा 66,100। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर पीएल अप्रोप्रिएशन बताया। पीएल अप्रोप्रिएशन तुम लोग कहाँ पढ़े हो याद है? जब पार्टनरशिप करते हो तो पीएल अप्रोप्रिएशन वाला जो पॉइंट है ये आएगा, ठीक है? तुम लोग का पार्टनरशिप भी है, यहाँ पर हम पीएल अप्रोप्रिएशन बता देते हैं। पीएल के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन प्रिपेयर किया जाता है। अप्रोप्रिएट करने का मतलब है सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना। अप्रोप्रिएट करना मतलब प्रॉफिट को अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट करो। अब प्रॉफिट जब पीएल बनाते हैं, पीएल का मतलब है हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए। मतलब हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट तो हम लोग को मिला, लेकिन इसे हम लोग घर नहीं ले जा सकते। अगर खुद को सोल प्रोप्राइटर मानोगे तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आए उसे घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुम्हें उससे अगर किसी स्टाफ को रखे उसे सैलरी पे करना पड़ेगा, अगर कुछ रेंट में शॉप है तुम्हारा रेंट पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ेगा, कुछ टैक्सेस वगैरह इंश्योरेंस वगैरह करवा के रखो ये सब पे करना पड़ेगा। मतलब बिजनेस रिलेटेड खर्चा, बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा। लेकिन अगर पीएल अप्रोप्रिएशन मतलब क्या होगा, देखो जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसे अगर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अप्रोप्रिएट करना है, तो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। नॉर्मली ये पार्टनरशिप के केस में होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर लोग ट्रेडिंग तो बनाने नहीं बोलता है नॉर्मली, पार्टनरशिप अकाउंट में बोलता है कैपिटल अकाउंट बनाओ और पीएल बनाओ, तो पीएल और पीएल अप्रोप्रिएशन बोला जाता है। तो पीएल बहुत ही कम प्रिपेयर करने बोलता है, नॉर्मली पीएल अप्रोप्रिएशन बताता है, पीएल का अमाउंट दे दिया जाता है क्वेश्चन में। तो पीएल अप्रोप्रिएशन मतलब ये होता है कि किस तरह से हम लोग ओनर्स को ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो देखो वी नो दैट द नेट प्रॉफिट और लॉस इज एडेड टू और डिडक्टेड फ्रॉम ओनर्स इक्विटी, मतलब कैपिटल में ऐड या लेस किया जाता है। द नेट प्रॉफिट मे बी यूज्ड बाय द बिजनेस टू डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन यही प्रॉफिट जैसे कंपनी के केस में हम लोग डिविडेंड पे करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग चाहे तो रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, बहुत तरह का रिजर्व होता है। अगर हम लोग रिजर्व क्रिएट करना चाहे वो भी करेंट ईयर के प्रॉफिट से ही कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू शो दिस एडजस्टमेंट ए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेंटेन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज ओनली अप्रोप्रिएशन एंड डज नॉट मीन एक्सपेंस। ये कोई एक्सपेंस नहीं है, हम हमारे प्रॉफिट को कितने जगह पे यूज कर रहे हैं ये हमारा जो है ये कंसेप्ट, हम लोग कितने जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप में देखोगे तो पार्टनर को सैलरी देना है, तो ये आउटसाइडर पेमेंट नहीं है, पार्टनर इनसाइडर होता है। तो पार्टनर का जो सैलरी है वो, पार्टनर को अगर कमीशन देना है वो दे दो, पार्टनर को अगर कुछ भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट का हिस्सा देना है वो दे सकते हैं। या फिर हम लोग कंपनी के केस में जाए तो अगर हम लोग को कुछ रिजर्व क्रिएट करके रखना है, रिजर्व हम लोग पार्टनरशिप में भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डिविडेंड देना है, तो ये सब होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तुम लोग ईवीआईटी का कंसेप्ट तो जानते ही हो, ईवीआईटी मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब उससे हम लोग पहले इंटरेस्ट पे करते हैं, उसके बाद बचता है ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर वहां से टैक्स देने के बाद जो बचेगा, तो ये सारा पीएल का हो गया डेटा जो भी मैंने बताया। टैक्स देने के बाद बचता है
पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब इससे दिया जाता है डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये पीएल का अप्रोप्रिएशन हो रहा है, मतलब वो प्रॉफिट तो बिजनेस का आ चुका है जो टैक्स देने के बाद है। अब ये जो प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें इसे एक्सपेंस नहीं मान सकते, एक्सपेंस नहीं मानेंगे, तो ओनर लोगों के वजह से ही ये प्रॉफिट आया, तो इन उन लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जिस तरह से एग्रीड एग्रीमेंट है या फिर जितना परसेंटेज ऑफ डिविडेंड है उस तरह से। तो यहाँ देखो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या है, नेट प्रॉफिट को हम लोग ब्रॉड डाउन करेंगे, जस्ट लाइक जैसे जीपी ब्रॉड डाउन होता है या फिर जीएल ब्रॉड डाउन होता है। टू प्रोपोज डिविडेंड, अगर हम लोगों ने सोचा है कुछ डिविडेंड देना है, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अगर जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करना है, और जो बचेगा वो कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। अगर पीएल को अप्रोप्रिएट करना है, अप्रोप्रिएशन ऑफ पीएल करना है, तो हम लोग इसी तरह से करेंगे, पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर उस प्रॉफिट को जहां जहां अप्रोप्रिएट करना है वहां करने के बाद जो बचेगा उसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, वो कैपिटल के साथ हो जाएगा ऐड। अब यहाँ पर देखो उसी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड आर थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब 1:1:1, इक्वली मतलब 1:1:1, देयर कैपिटल एज ऑन 1/4/2012, इन लोगों का कैपिटल बता दिया है 80,000, 60,000, 50,000, दे म्यूचुअली एग्रीड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, और अगर डीड में लिखा हुआ है तो ये सारा जो भी एक्टिविटीज है ये परफॉर्म होना चाहिए, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलना चाहिए पार्टनर लोगों को, एक्स टू बी रिसीव्ड ए सैलरी 500 पर मंथ, वाई टू बी रिसीव्ड ए कमीशन एट द रेट ऑफ 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये पॉइंट हम बता देंगे ये क्या है, ठीक है, ये हम बता देते हैं, आफ्टर चार्जिंग ऑल अदर आइटम्स 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में नॉर्मली पीएल क्या होता है वो इन लोगों का गिवन ही रहता है क्वेश्चन में, प्रॉफिट आया था इतना, अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, एक्स वाई जेड में, किस तरह से मिलेगा, इन लोगों को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो पार्टनर को मिल रहा है जो कि आउटसाइडर नहीं इनसाइडर है पार्टनरशिप फर्म के, तो ये आउटसाइडर पेमेंट नहीं, आउटसाइडर पेमेंट को एक्सपेंस बोला जाता है, बट इनसाइडर को जो पेमेंट किया जाता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। तो 66,720 जो प्रॉफिट है इससे मिलेगा पार्टनर लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल बता दिया एट द रेट ऑफ 5%, तो डायरेक्ट 80,000 पे 5%, 60,000 पे 5% और 50,000 पे हम लोग को 5% कैलकुलेट करना है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका अलग अलग। एक्स को मिलेगा सैलरी 500 पर मंथ, तो इंटू 12 करेंगे, क्योंकि पीएल हो पीएल अप्रोप्रिएशन हो पूरा एक अकाउंटिंग ईयर को मेंटेन करके बनता है। वाई टू बी रिसीव्ड ए कमीशन ऑफ 4% और वाई को मिलेगा कमीशन 4% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। लेकिन ये जो पॉइंट है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये कमीशन देने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर 4% कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग ऑल अदर आइटम्स। ये सारा जो भी है ए बी सी ये तीनों पॉइंट ये पे हो जाने के बाद 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है नेट प्रॉफिट का 10%, और हम लोग को बोला है पीएल अप्रोप्रिएशन बनाओ। और ये पढ़ के हम लोग को समझ भी जाना चाहिए, पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो पीएल अप्रोप्रिएशन ही होगा, और वैसे भी पीएल तो बन चुका है तभी उसका डेटा हम लोग को दिया गया है 66,720। तो ये किस तरह से बनाओगे, देखो जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे, हम यहाँ पर एक बार दिखा देते फिर ये शो कर देंगे नीचे। पीएल अप्रोप्रिएशन जो ब्रॉड डाउन होगा क्योंकि प्रॉफिट है तो टू नेट प्रॉफिट आया था, तो हम लोग लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, या फिर बाय पीएल लिख सकते हो, पीएल हाइफिन देके नेट प्रॉफिट, वो है 66,720। और ये कौन प्रिपेयर कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर कर रहा है पार्टनर लोगों के लिए, तो पार्टनर लोगों को देना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड इस तरह से लिखेंगे, और अमाउंट तुम लोग देख लो 5-5% लगा के सब में कितना कितना आएगा, 80,000 × 5% 4,000, 60,000 × 5% 3,000, 50,000 × 5% 2,500, इस तरह से टोटल आ जाएगा, ठीक है। और एक्स को जब हम लोग सैलरी देंगे लिखेंगे टू सैलरी टू एक्स 500 × 12 कितना हो जाएगा, 500 × 12 कितना हो जाएगा 6,000, तो टू सैलरी टू
एक्स लिखोगे तो आ जाएगा 500 इंटू 12, 6000 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को कमीशन कैलकुलेट करना है। तो ये देखो जितना भी मैंने लिखा है उतना हम यहाँ पर एक बार शो कर देते हैं। यहाँ तो किया हुआ है, ये देखो बाई पी एल 67,720, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, टू सैलरी आ गया 6000, कमीशन इन लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, जनरल रिजर्व भी कर दिया। उसके बाद जो बचेगा वो अकॉर्डिंग टू पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो कोई मुझे बता सकता है कमीशन किस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा? कमीशन का कैलकुलेशन तुम लोग कर पाओगे? कमीशन के बारे में क्या बताया था? कमीशन में ये बता के रखा था कि नेट प्रॉफिट, देखो बोला था कि वाई टू रिसीव ए कमीशन ऑफ 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट से कमीशन माइनस करने के बाद जितना होगा। तो देखो हम इसको इस तरह से करते हैं, हम यहाँ पर दिखाते हैं। हम लोग का नेट प्रॉफिट जो है ये है 66,720 और क्वेश्चन में ये बताया है 66,720 मीन्स नेट प्रॉफिट और इसमें बताया है 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हम मान लेते हैं लेट वाइज कमीशन, कमीशन किसको मिल रहा है? वाई को। तो हाँ हम लोग अगर मान लेते कमीशन है एक्स, तो यहाँ पर पॉइंट फिर से देखो पढ़ो एक बार, 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वाई टू बी रिसीव्ड ए कमीशन, वाई को एक कमीशन मिलेगा जो मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया है एक्स है, ठीक है। और ये कमीशन जो मिलेगा वो 4% है, ये जो एक्स अमाउंट है ये 4% चार्ज करके आया है। 4% किस पे चार्ज करना है? नेट प्रॉफिट पे, 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब नेट प्रॉफिट से कमीशन माइनस करने के बाद जितना बचेगा उसका 4% जो होगा वही हमारा कमीशन होगा पेएबल टू वाई। एक बार लैंग्वेज के साथ टैली कर लो, ये जो पोर्शन होता है इसी तरह से ही करना पड़ता है। ये देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर बोला है कि वाई टू बी रिसीव्ड ए कमीशन एट द रेट ऑफ 4% ऑन नेट प्रॉफिट। वाई को क्या मिलना चाहिए? नेट प्रॉफिट क्या था? 66,720, इस पे 4% कमीशन मिलना चाहिए था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो वो कमीशन है एक्स हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, वो माइनस करने के बाद 4% चार्ज करने से जितना आएगा उसे हम लोग बोलेंगे कमीशन, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे देखो। 66,720 इंटू 4% करो, इसके साथ ये इंटू कर दो, इसके साथ ये इंटू कर दो, 66,720 इंटू 4%, तो कितना आ जाएगा? माइनस एक्स इंटू 4%, 4% मतलब 4 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.04x इक्वल टू कितना आ गया x। तो 2668.8 इक्वल टू, ये इधर प्लस हो जाएगा 0.04x प्लस x, तो 1.04x इक्वल टू 2668.8, देयरफॉर x इक्वल टू डिवाइड कर दो 2668.8 डिवाइडेड बाई 1.04, तो कितना आ जाएगा 2566 इन लोगों का 1970। ओ अच्छा एक चीज तो गलत हो गया ना, प्रॉफिट से ये पोर्शन तो पे कर देना है, ये 9,500, 6,000 इसका कैलकुलेशन मैंने लिया ही नहीं। 9,000 ये तो पहले एक्सपेंस हुआ है ना, मतलब ये देखो ये लिया नहीं इसलिए नहीं आया। यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देना पड़ेगा, फिर वाई को सैलरी देना पड़ेगा, फिर वाई को मिलेगा कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पर ये माइनस करना पड़ेगा ये दो खर्चा, पहले तो ये दो खर्चा दिया हुआ था ना, 9,500 और 6,000 जो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं, तो 66,720
6,720 माइनस 9,500 माइनस 6,000 नेट प्रॉफिट बोला है ना, तो नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? 66,720 से ये और ये पे करने के बाद बच रहा है 51,220 माइनस करेंगे इससे कमीशन, जो कंसेप्ट मैंने समझा है, इनटू 4% इक्वल टू एक्स। अब इसके ऊपर 4% कैलकुलेट करो, 2048.8 माइनस 0.04x इक्वल टू एक्स, देयरफॉर 2048.8 इक्वल टू 1.04x, एक्स इक्वल टू डिवाइड कर दो 1.04, तो 1970 आएगा, 1970। ये देखो ये 1970 आ गया। अब जो तुम लोग करते हो 11-12 में ऐसा किए हो, अगर आफ्टर चार्जिंग बोला जाता है तो तुम लोग क्या करते हो, 4 डिवाइडेड बाय 104 कर देते हो, मतलब 51,220 इंटू क्या करते हो, 4 डिवाइडेड बाय 104। जब आफ्टर चार्जिंग होता है तो इस तरह से सिखाया जाता है। तो देखो 51,220 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 104, तो इसमें आंसर आ जाएगा 1970। इसमें डायरेक्टली आ गया, लेकिन मुझे कंसेप्ट समझाना था इसीलिए मैंने बोला इसका इसका भी कंसेप्ट होता है। ये देखो 104 और ऊपर 4, मतलब 104 जो है इसमें 4 रुपीज कमीशन है, ये 4 रुपीज क्या है, कमीशन। तो वही हो गया कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब 104 में से 4 रुपीज कमीशन देने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर 4%, इसी कंसेप्ट पे होता है। और ये देखो मेरा भी यहाँ पर 1.04 आया डिविजिबल, वही देखो 104, मतलब वो 100 जो है परसेंटेज में क्या हुआ, इसीलिए 1.04 या फिर 104 एक ही बात है, कैसे भी डिवाइड करो। तो इसी कंसेप्ट पे ये वाला होता है 1.04 और यहाँ 104 आ जाएगा अगर 4 बाय 104 कर लोगे। और इंक्लूडेड होता है आफ्टर चार्जिंग, मतलब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मीन्स उसमें कमीशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, प्रॉफिट में उतना कमीशन इंक्लूडेड होना चाहिए, तब उतना कमीशन माइनस करने के बाद हम लोग 4% देंगे। तो ये मैंने कंसेप्ट के लिए एक्स वाला फॉर्म बताया, तुम लोग एग्जाम पर्पज में ये शॉर्टकट वाला भी यूज कर सकते हो, आफ्टर चार्जिंग होगा तो इस तरह से करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखो क्या बोला है, कमीशन दे दिया हम लोगों ने, अब जनरल रिजर्व कितना है वो हम लोग को क्रिएट करना है। तो जनरल रिजर्व कितना होगा, हम लोग का टोटल अभी आया था 51,220, फिर उसके साथ हम लोग इसके बाद देंगे कमीशन 1970, तो माइनस करो 51,220 माइनस 1970, कमीशन माइनस करने के बाद बचा 49,250, 49,250। अब इस पे 10% जनरल रिजर्व क्रिएट करना है, तो 10% क्रिएट करेंगे तो 4,925 आ गया, इसीलिए 2 जनरल रिजर्व। अब क्या करना है, 4,925 आ गया, अब तुम लोग चाहो तो इसे बैलेंस कर सकते हो दोनों साइड, बाकी सारा तो ट्रीटमेंट हो गया, या फिर देखो अभी जल्दी भी बैलेंस कर सकते हैं हम लोग किस तरह से। 49,250 लास्ट अमाउंट आया था, इसमें से हम लोगों ने कितना माइनस कर दिया, 4,925 माइनस कर दिया, तो बचा कितना, 44,325। लेजर बैलेंस करोगे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर वही आएगा। अब इसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टनरशिप के बारे में दिया हुआ है, तो 1:1:1 जो इन लोगों का इक्वल रेशियो था एक्स वाई जेड का, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1/3, 1/3, 1/3 करके। तो 44,325 का 1/3 कर लो तो ये आंसर आ जाएगा 14,775। तो ये एक नया कंसेप्ट था, इसमें नॉर्मली ये पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पर एक पीएल अप्रोप्रिएशन का पार्ट दिया हुआ था। और इसमें जो हम लोग सीखे नया, ये जो है कि 4%, ये वाला पॉइंट जो वाइटल था, वाई टू बी रिसीव्ड ए कमीशन 4% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और आफ्टर चार्जिंग ऑल अदर आइटम, सारा आइटम चार्ज मतलब जो भी है पॉइंट ए बी सी सब माइनस करने के बाद 10% प्रॉफिट जो है वो जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना चाहिए, जो हम लोगों ने कर दी। अच्छा अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताया है कि लाइबिलिटीज में क्या क्या होता है। कैपिटल होता है, कैपिटल जो ओनर्स का इक्विटी होता है, और ये हम लोग कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ये हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। देखो कैपिटल कितने तरह से इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, एड नेट प्रॉफिट होगा
या फिर लेस नेट प्रॉफिट होगा। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल जब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो भी प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सॉरी कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर अगर लेस ड्रॉइंग्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट सॉरी कैपिटल कम हो जाएगा। तो कैपिटल ये चार तरह से इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, मतलब प्रॉफिट, लॉस और कैपिटल। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर हम लोग का जो ड्रॉइंग्स है उसके वजह से भी हम लोग का बिजनेस का जो है इक्विटी वो कम हो सकता है। रिजर्व एंड सरप्लस मैंने अभी बताया कि रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है नॉर्मली कंपनी यूज करता है। रिजर्व एंड सरप्लस का हेड जो होता है यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस तो हमेशा हम लोग यही मान के चलते हैं कि बिजनेस गोइंग कंसर्न होता है और ये क्या करता है, हर ईयर प्रॉफिट या फिर लॉस मेकिंग होता है। तो जो भी एक्यूमुलेट होता है प्रॉफिट, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट, ठीक है, या फिर लॉस फिगर जो भी हो, ये सब जब हम लोग टोटल करके लिखते जाते हैं तो इसे बोला जाता है सरप्लस। विल कीप ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, अगर प्रॉफिट या लॉस पर डिपेंड करके ही ओनर्स का इक्विटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है बार बार तो कैपिटल इंक्रीज करेगा, अगर लॉस हो रहा है तो डिक्रीज करेगा। इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस द प्रॉफिट और लॉस एडेड टू द कैपिटल एंड नॉट शोन सेपरेटली। ये मैंने पहले भी बताया कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो हम लोग कैपिटल के साथ डायरेक्ट एडजस्ट कर देते हैं, हम लोग रिजर्व सरप्लस बोल के और नहीं दिखाते। लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी, मतलब वो ऑब्लिगेशन होता है जो हम लोग एक लॉन्ग पीरियड के लिए पे करने के लिए वेट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जांपल बता दिया, से टू मतलब नॉर्मली 5 से 10 साल के लिए जो ऑब्लिगेशन हमारा रहता है उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी। जैसे कि बैंक से लोन या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन या फिर कोई बोरोड फंड, ठीक है, जिसे हम लोग इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, फ्यूचर में बाकी पे करेंगे, तो लोन एज एग्रीड टर्म का जो लोन होता है वो। सच फंड्स आर यूजुअली रेज्ड टू मीट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टू प्रोक्योर फिक्स्ड एसेट। हम लोग को अगर कैपिटल जो है वो एनफ नहीं हो रहा है जो हम लोगों ने खुद बिजनेस में लगाया, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ओन फंड से काम नहीं हो रहा है तो लोन फंड लेना पड़ेगा ताकि हम लोग फिक्स्ड एसेट जो है प्रोक्योर कर पाए, क्योंकि ये रिसोर्स होता है, रिसोर्स नहीं होगा तो हम लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। दिस फंड शुड नॉट बी जनरली यूज फॉर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। ये जो लोन वगैरह हम लोग लेते हैं ये नॉर्मली हम लोग डे टू डे बिजनेस के लिए नहीं लेते हैं। लोन लेके कोई डे टू डे बिजनेस नहीं करता है, लोन लेके बिजनेस को एक्सपेंड किया जाता है, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है, कुछ फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीदा जाता है। ऐसे नहीं कि डे टू डे काम के लिए हम लोग लोन ले ले, ऐसा नहीं होता है, कुछ स्पेशल काम के लिए ही लोन लिया जाता है। दिस फंड शुड नॉट बी जनरली यूज फॉर डे टू डे। सच लोन आर नॉर्मली गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सम सिक्योरिटी फ्रॉम, कभी कभी सिक्योर्ड लोन भी होता है, अगर हम लोग को मॉर्गेज रखना है तो फिर कुछ फिक्स्ड एसेट वगैरह मॉर्गेज रख के हम लोग सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं, मतलब वो बैंक की तरफ से सिक्योर्ड हो जाएगा, बैंक वाला का सिक्योरिटी रहेगा कि अगर हम लोग फेलियर हो जाते हैं तो वो एसेट वो बेच सकता है अपने रिकवरी के लिए। शॉर्ट टर्म या करेंट लाइबिलिटी किसे बोलते हैं, जो 12 मंथ्स के अंदर हम लोग को जो भी ऑब्लिगेशंस पे ऑफ करना है उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म या फिर करेंट लाइबिलिटी, या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हम लोग को पे करना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म या फिर करेंट लाइबिलिटी। और इसके अंदर क्या क्या आता है, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब बिजनेस में जिससे हम लोगों ने क्रेडिट में कुछ भी परचेस किया है उसे हम लोग बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। कभी कभी कस्टमर हम लोग को क्या करता है, एडवांस दे के चला जाता है लेकिन हम लोग उसे कुछ गुड्स या फिर सर्विस अभी तक सप्लाई नहीं किए हैं, तो ये कस्टमर से जो हम लोग एडवांस लेते हैं ये भी हो जाता है लाइबिलिटी। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब हम लोग को एक्सपेंस पे करना है लेकिन हम लोगों ने पे नहीं किया है नॉर्मली, इसके लिए देखो ये जो है ये थोड़ा याद रखना चाहिए तुम लोग को ताकि ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में तुम लोग कर पाओ। दीज आर यूजुअली सेटल्ड विद इन 30 to 60 days, दैट इज फोन बिल ऑफ सेप्टेम्बर इन नॉर्मली पेड इन अक्टूबर। एक एग्जाम्पल दिया, सेप्टेम्बर का बिल हम लोग अक्टूबर में पे करते हैं, 30 to 60 days दिया जाता है आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करने के लिए। बिल्स पेएबल, तो तुम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े ही हो, बिल्स पेएबल हम लोग तब देते हैं, देखो देयर आर टाइम्स व्हेन सप्लायर डू नॉट गिव क्लियर क्रेडिट। अगर कोई क्रेडिट अपना नहीं बताए कि मतलब कितने दिन के लिए होगा, तो द सप्लाई गुड्स अगेंस्ट ए प्रोमिसरी नोट टू बी साइंड एज ए प्रॉमिस टू पे आफ्टर और ऑन ए पर्टिकुलर डेट। जैसे बिल्स कौन ड्रॉ करता है, ड्रॉयर मतलब जो सेल कर रहा है, ठीक है, लेकिन परचेसर जो होता है वो अपने तरफ से क्या कर सकता है, एक प्रॉमिसरी नोट जेनरेट कर सकता है जहां पर वो लिखेगा कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं हम ये वाला पैसा पे कर देंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट नॉर्मली कौन बनाता है, जो खरीदता है, जो बायर होता है, लेकिन बिल्स वो ड्रॉ करता है जो सेलर होता है।
ये डिफरेंस होता है मेनली प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बाकी ऐसा कोई मतलब डिफरेंस नहीं होता है दोनों चीज में। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कभी कभी बैंक हम लोग को फैसिलिटीज देता है ओवरड्राफ्ट का, और हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट मतलब हम लोग के अकाउंट में जितना पैसा नहीं है उससे ज्यादा पैसा हम लोग यूज कर सकते हैं बैंक के साथ, अगर हम लोग का अच्छा ट्रांजेक्शन हो तो बैंक हम लोग को ये फैसिलिटी देता है। और ये इंस्टेंट लोन के तरह होता है, इसके बदले थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है बैंक को हम लोग को। बिजनेस इज परमिटेड टू इशू चेक अप टू ए सर्टेन लिमिट, लेकिन एक लिमिट होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का कि उतने तक ही हम लोग एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हैं। The bank will honor these checks and will recover this money from business. This is a short-term obligation. इससे भी हम लोग bank overdraft को short-term obligation ही मानेंगे, क्योंकि bank short-term के लिए bank overdraft देगा। अगर ज़्यादा दिन के लिए चाहिए ऐसा कुछ facilities तो loan लो, तो वो long-term हो जाएगा। एसेट में देखो, फिक्स्ड एसेट नॉर्मली ये होता है जो हम लोग सेल करने के लिए नहीं खरीदते। फिक्स्ड एसेट आर, देखो इसका दो तीन पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए। फिक्स्ड एसेट होता है जो नॉट फॉर रीसेल, ये रीसेल के लिए नहीं होता है। मिनिमम 1 अकाउंटिंग ईयर तो हम लोग इसे यूज करते हैं, और भी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। 12 मंथ से ज्यादा तो होता ही, उससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें देखो हम लोग का बेसिक पर्पस जो होता है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, फिक्स्ड एसेट को हम लोग यूज करके फ्यूचर में हमारा जो अर्निंग है उसे हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। दिस प्रेजेंट्स द फैसिलिटीज और रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे टाइम के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं इस रिसोर्स को। दिस बेसिक पर्पस ऑफ दिस रिसोर्स इज नॉट टू बाय एंड सेल देम, ऐसा नहीं कि आज एक मशीन खरीद लिए कल बेच दिए, इसी पर्पस पे हम लोग नहीं लेते हैं फिक्स्ड एसेट, बट टू यूज फॉर फ्यूचर अर्निंग, फ्यूचर में हम लोग को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं। द बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ दिस एसेट इज स्प्रेड ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड, इसका बेनिफिट हम लोग को बहुत लंबे टाइम तक मिलते रहता है। द फिक्स्ड एसेट कुड बी इन टेंजिबल फॉर्म सच एज बिल्डिंग मशीन व्हीकल कंप्यूटर, वेर एज सम कुड बी इनटेंजिबल जैसे कि पेटेंट ट्रेडमार्क गुडविल, ये सब होता है। और फिक्स्ड एसेट का जो है पीएल में इसका डेप्रिसिएशन जाता है, और जो भी इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है उसमें डेप्रिसिएशन की जगह राइट ऑफ लैंग्वेज यूज किया जाता है या फिर एमोर्टाइजेशन लैंग्वेज यूज किया जाता है। द फिक्स्ड एसेट इज सब्जेक्ट टू वेयर एंड टियर विच इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, ये बता ही दिया यहाँ पर। इन बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट आर ऑलवेज शोन ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन हटा दो ओरिजिनल कॉस्ट से, और जो बुक वैल्यू बच रहा है आफ्टर यूजिंग दिस एसेट वो लिखना है हम लोगों को। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कभी कभी हम लोग के पास क्या होता है, देखो क्या बोल रहा है, दीज आर फंड्स, ये फंड्स इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस ऑन ए टेम्पोररी बेसिस, हम लोग अलग किसी जगह पे हमारे पास अगर कुछ अगर एक्स्ट्रा फंड है बिजनेस से रिलेटेड, मतलब बिजनेस में वो फंड अभी हम लोग यूज नहीं करे, इस फंड को अगर हम लोग बाहर कहीं इन्वेस्ट करें टेम्पोररी बेसिस में, उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, times when the business has surplus fund and they are not immediately required for business purpose. When business में ये बताया ना मैंने, अगर extra fund है जो हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे, ठीक है, हम लोग के पास extra है business purpose पे यूज नहीं कर रहे, तो उसे घर पे रखने का कोई फायदा नहीं, घर पे रखने से वो कभी भी increase नहीं हो सकता है। लेकिन इसे अगर हम लोग कहीं सही जगह पे as a FD हो जाए या फिर किसी और जगह पे bond वगैरह में हम लोग अगर invest करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, उससे एक return मिल सकता है, और ये एक इनकम करने का अलग जरिया है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और इसीलिए बैलेंस शीट में इसे एक अलग हेड के साथ ही दिखाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो है ये करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। करंट यानी 12 मंथ्स के लिए हम लोगों ने किया है, नॉन करंट मतलब मोर देन 12 मंथ्स के लिए हम लोगों ने किया है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर इन्वेस्टमेंट विच आर रेस्ट्रिक्टेड बियॉन्ड द करंट पीरियड एज टू सेल और डिस्पोजल। अच्छा, करेंट एसेट मतलब देखो जो 12 मंथ्स के लिए होगा, जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे करेंट एसेट, और जो कैश और कैश इक्विवेलेंट होगा और 12 मंथ्स के अंदर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होगा, जैसे कि डेटर से हम लोग 12 मंथ्स के अंदर ही पैसा रिकवर करना चाहेंगे, या फिर कैश, कैश खुद ही एक करेंट एसेट है, इस तरह से करेंट एसेट होगा। अच्छा, स्टॉक्स, ये देखो अब करेंट एसेट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होगा ये इसके बारे में बताया है। स्टॉक होगा, स्टॉक तो मैंने बताया कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर उसमें हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना चाहिए। डेटर, डेटर मतलब जिसको हम लोगों ने मतलब क्रेडिट पे सामान सेल किया है। बिल्स रिसीवेबल के बारे में तुम लोग पढ़ ही चुके हो, अगर क्रेडिट पीरियड एक लॉन्ग टर्म का होता है या फिर उसमें कुछ मतलब सर्टेननेस नहीं लगता है तो हम लोग उसके लिए बिल्स ड्रॉ कर सकते हैं। कैश इन हैंड, जो बिजनेस में कैश रहता है, कैश एट बैंक, अगर
बिजनेस कर रहे हैं तो बैंक के साथ डीलिंग्स होगा, जितने सारे पैसे बैंक में है उसे कैश एट बैंक बोलेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ये ऐसा एक पेमेंट है जिसका रिगार्डिंग हम लोग को अभी तक सर्विस मिला नहीं या फिर गुड्स नहीं मिला है लेकिन हम लोगों ने पे कर दिया। एडवांस टू सप्लायर, अगर हम लोग को कुछ गुड्स या सर्विस खरीदना है और हम लोगों को मिला नहीं है उसके पहले हम लोग को सप्लायर को हम लोगों ने एडवांस दे दिया है तो उसे हम लोग बोलेंगे एडवांस टू सप्लायर। तो ये सब पॉइंट तो तुम लोग को थोड़ा बहुत पता है, मैंने जस्ट टर्म्स तुम लोग के सामने और एक बार बता दिया। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये हम तुम लोग को सेंड कर देंगे, ये ट्रायल बैलेंस जो है इससे तुम लोग को प्रिपेयर क्या करना है देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस से। अच्छा कुछ बताया नहीं है, इससे आई थिंक तुम लोग को ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो ये क्वेश्चन हम तुम लोग को सेंड कर देंगे इलास्ट्रेशन 8 का, इससे तुम लोग को ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जो भी पॉइंट बताए हैं उसको थोड़ा रीड कर लोगे तो एमसीक्यू में हेल्प हो जाएगा। ठीक है क्लास यहीं तक।